आखिर क्यों हर बार मनीषा पर ही उठती है उंगली? क्या वाकई अभिषेक के म्यूजिक वीडियो रिजेक्ट करने पर सिर्फ और सिर्फ मनीषा की है गलती? आखिर क्यों मनीषा को ही मिल रहा है हेट? क्या अभिषेक ने नहीं निभाई है सच्ची दोस्ती? तो इस वीडियो को कीजिए मैक्सिमम लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। देखो मैं आपको बता दूं, अभी बहुत सारे लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट में आ जाएंगे कि भाई तुम तो एल्विश का साथ देते हो, मनीषा का साथ देते हो, अभिषेक को नेगेटिव दिखाते हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ सच्चाई का साथ देते हैं। ना ही एल्विश, ना ही मनीषा और ना ही अभिषेक से कोई हेट है। लेकिन अब बार बार आखिर क्यों मनीषा को ही क्लेरिफिकेशन देना होता है? क्या यही दोस्ती है? क्या अभिषेक मलहन ने जो किया वो गलत नहीं था? क्या अभिषेक को ये बातें पता नहीं होनी चाहिए कि भाई अगर मैं मीडिया के सामने आकर बोल रहा हूँ कि मैंने म्यूजिक वीडियो ऑफर किया है तो उससे मनीषा को हेट मिलेगा? क्योंकि जब मनीषा ने खुद कह दिया कि भाई मेरे तरफ से ये सॉन्ग को रिजेक्ट नहीं किया गया था, तो अभिषेक ने तो इनडायरेक्टली ब्लेम कर ही दिया, क्योंकि उन्होंने किसी यूट्यूबर को इंटरव्यू दिया था, मीडिया के सामने आकर कहा था कि मैंने मनीषा को म्यूजिक वीडियो ऑफर किया है। क्या एक प्रोफेशनलिज्म है ये? इस पर सवाल जरूर उठता है और ये मैं नहीं उठा रहा हूं, खुद ब खुद मनीषा के फैंस भी उठा रहे हैं और ये उठाना भी चाहिए, क्योंकि अभिषेक ने कहीं ना कहीं अपनी दोस्ती में जरूर अपना ही फायदा ढूंढा है और अब सबके सामने आ रहा है। एल्विश के साथ सॉन्ग करने के बाद मनीषा को अभिषा फैंस बहुत ज्यादा हेट दे रहे थे। अब मनीषा ने खुद क्लेरिफाई कर दिया कि ये जो हेट मिल रहा था वो अभिषा फैंस के तरफ से मिल रहा था। मनीषा तो वो लड़की है जिसने सबको ही अच्छे तरीके से ट्रीट किया है, वो चाहे एल्विश हो, वो चाहे अभिषेक हो, लेकिन बार बार इस तरीके से अभिषा फैंस की तरफ से हेट देना, इट वॉज नॉट टॉलरेट एट ऑल। और मनीषा रानी को हेट नहीं मिलना चाहिए। उन सभी अभिषा फैंस को कहना चाहूंगा कि वो अभिषेक से जाकर सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? क्या अभिषेक ने जिया शंकर के साथ सॉन्ग किया था तो क्या आपने उससे सवाल पूछा था? तो बार बार मनीषा को क्लेरिफिकेशन ही क्यों देना होता है? बहुत सारे लोग यहां पर कमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक मजेदार कमेंट आपको बताता, ये कमेंट बिल्कुल जेन्यून है और ये ही बात है कि अभिषेक पर अब उंगली उठ रही है। एक यूजर ने लिखा, ऑल्सो वन थिंग, ये क्लेरिफिकेशन अभिषेक के साइड से आना चाहिए था, क्योंकि ही वॉज द वन जिसने डिस्क्लोज किया था कि हमने म्यूजिक वीडियो मनीषा का ऑफर किया, लेकिन मनीषा ने उस म्यूजिक वीडियो को रिजेक्ट कर दिया ऑन मनीषा इंक्लूडिंग दैट दे आर नॉट एक्सेप्टिंग। जब तक कुछ कन्फर्म नहीं हुआ था तब उसको बोलना ही नहीं चाहिए था पब्लिक में। लुक एट एल्विशा, म्यूजिक वीडियो आने से पहले कानो कान किसी को खबर नहीं था, जब म्यूजिक वीडियो की शूटिंग स्टार्ट हुई तब लोगों को पता चला। ये कमेंट मैंने आपको इसीलिए दिखाया कि ये कमेंट बहुत ही जेन्यून है, जिसने भी किया है बिल्कुल सच है, क्योंकि आप एक चीज देखो, अगर आप एल्विश और अभिषेक में कंपेयर करोगे ना, तो एल्विश ने कभी भी मनीषा को हेट दिलाने वाला काम नहीं किया। मनीषा को लेकर एल्विश से इतने सारे सवाल पूछे गए, करीब 1.5 महीने से लोग एल्विश के पीछे पड़े थे कि क्या आपका म्यूजिक वीडियो आएगा, क्या आपका कोई प्रोजेक्ट आएगा। एल्विश ने कभी भी खुलकर इस पर बात नहीं की, क्योंकि एल्विश को पता था कि अगर वो बात करेंगे और इनडायरेक्टली कोई भी चीज़ें बिगड़ती है तो मनीषा पर हेट जाएगा, एल्विश पर भी हेट जाएगा। एल्विश ने हमेशा यही कहा कि कुछ सरप्राइज है, और कई बार तो क्वेश्चन को इग्नोर भी किया, जिससे बहुत सारे लोग निराश भी हो गए थे कि एल्विश और मनीषा का कोई भी म्यूजिक वीडियो या कोई प्रोजेक्ट नहीं आएगा। लेकिन बिग बॉस के घर में तो एल्विश ने वादा किया था, वो वादा वो पूरा भी कर रहे हैं मनीषा के साथ। तो ये होती है दोस्ती जिसको अभिषेक को सीखनी चाहिए। यहाँ पर नेगेटिव पीआर और पॉजिटिव पीआर की बात नहीं हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अभिषेक सिर्फ और सिर्फ अपना ही फायदा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, मनीषा एक्सपोज्ड आंडू पांडू गैंग एंड फुकरा एज वेल, शी नो वेल कि अभिषेक की वजह से हर वक्त मनीषा को हेट मिलता है, दिस टाइम एज अ फेम तक बात गई, उसे क्लेरिफाई करना पड़ा। अगले एक और यूजर ने लिखा, द थिंग विच आई हेट द मोस्ट एवरी टाइम शी हैव टू क्लेरिफाई थिंग, वो दूसरा बंदा कहाँ है, उसने क्यों नहीं आके डिफेंड किया, आई होप दिस वॉज द लास्ट टाइम, इसके बाद मनीषा कुछ भी करे शी पर लोग को कोई क्लेरिफिकेशन ना दे। अगले एक और यूजर ने लिखा, एग्जैक्टली क्लेरिफिकेशन वो दे, दोस्त के लिए स्टैंड भी वो ले, दोस्त को डिफेंड भी वो करे, एंड सपोज्ड दोस्त बस एलिगेशन पुट करके खुद इनोसेंट बन के चला जाता है। तो अभिषेक के ऊपर सवाल उठ रहे हैं और ये बिल्कुल सही बात है, अभिषेक पर सवाल उठना चाहिए। कहाँ है अभिषेक? क्या अभिषेक अपने वीडियो में इतना बिजी हो गए कि वो जिया शंकर के लिए स्टैंड ले सकते हैं लेकिन मनीषा के लिए नहीं? क्या ये सच्ची दोस्ती है? भाई सच्ची दोस्ती तो आप मानो या ना मानो, लेकिन एल्विश निभा रहा है। एल्विश ने कभी भी मीडिया के सामने आकर या अपने वीडियो में मनीषा रानी को लेकर कोई भी ऐसी बात नहीं की कि जिससे मनीषा को हेट मिले। वो होता है सच्चा दोस्त, अभिषेक की तरह नहीं जिसने ढिंडोरा पीट दिया, म्यूजिक वीडियो आएगा, ये आएगा, वो आएगा, इतने सारे ड्रामे करने
करने का मतलब सिर्फ एक ही था, मनीषा को हेट देना। हम किसी को भी हेट नहीं दे रहे हैं, आप अभिषेक को भी हेट मत दीजिए, लेकिन ये जो मनीषा को हेट दिया जा रहा है अभिषेक फैंस की तरफ से, ये बंद होना चाहिए। मनीषा को पूरा अधिकार है वो किसके साथ सॉन्ग करेगी, किसके साथ प्रोजेक्ट करेगी। अगर आप इसी तरह के शिपिंग फैंडम हैं तो मैं तो चाहूँगा कि भाई आप मनीषा को सपोर्ट मत कीजिए, मनीषा को इंडिविजुअल सपोर्ट कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। आप बताना कमेंट बॉक्स में आपका क्या है ओपिनियन, क्या आपको भी लगता है वाकई में अभिषेक ने जो किया है वो बिल्कुल गलत है। अभिषेक को एक पोस्ट तो ज़रूर करना चाहिए था जब मनीषा को इतना हेट मिल रहा है। लिखिएगा ज़रूर, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।